hello everyone welcome to the layman way where we are completing fundamentals of physical geography and this lecture is a part of my two months geography course program to help you one step closer to your goal and guys this program is all free so don't forget to smash that like button subscribe and also turn on the notifications all right if you want to view our full course you can always click on the i button in the top right corner and view our full playlist and guys if you are following this program do not forget to leave a comment down below About your progress in the course, guys, so that we can motivate one another and let's get started तो आज बेसिकली हम डेजर्ट लैंडफॉर्म्स पढ़ने वाले हैं ठीक है डेजर्ट लैंडफॉर्म्स पढ़ने से पहले थोड़े वर्ड्स को डिस्कस करते हैं तो एरिड पहला वर्ड है एरिड एरिडिटी यू नो दिस इज़ द वर्ड ये वर्ड ऐसा है कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्या मतलब है इसका तो एरिडिटी मतलब सूखा पड़ना सिंपल एज दैट एरिडिटी मतलब क्या होता है कि सूखा पड़ना पानी नहीं होना सूखा पड़ना उसको बोलते हैं एरिडिटी तो डेजर्ट्स कहीं पे मिलते हैं जहाँ पे यू नो प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है रेनफॉल बहुत कम होती है ना वेजिटेशन ज़्यादा नहीं होता है करेक्ट एंड अब अगर हम डेजर्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे राइट right? तो डेजर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि यू नो वर्ल्ड में ट्वेंटी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड लैंड तो डेजर्ट ही है डेजर्ट ही है है ना वहाँ डेजर्ट्स ही हैं प्रेसिटेशन पच्चीस सेंटीमीटर से कम रहता है उस वहाँ उन रीजन्स में वी हैव हाँ डेजर्ट्स तो ये देखो ये वाला रीजन दिख रहा है अब यहाँ पे कौन कौन से डेजर्ट्स आपको दिख रहे हैं जल्दी जल्दी बताओ एक सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में यू you नो know, तीन डेजर्ट हैं सहारा कालाहारी एंड नामीब डेजर्ट ठीक है तो कालाहारी और नामीब इक्वेटर के कहाँ पर है साउथ में सहारा का इक्वेटर के ऊपर और अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टीनेंट है यू नो जहाँ से तीनों पास करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इक्वेटर भी और केपरिकॉन भी राइट ये सब थोड़ा ऑब्जर्वेशन यू नो जोग्राफ़ी पढ़ते टाइम ध्यान में रखा करो कि कहाँ कहाँ से अब ये भी आता है कि इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास करता है कि किन किन कंट्रीज से पास करता है इन कंट्रीज़ में यू you नो know, आपको नाम पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से पास करता है कैंसर कहाँ कहाँ से पास करता है केपरिकॉन कहाँ कहाँ से पास करता है ठीक है कभी कभार ऐसा पूछ लेते हैं कि यू uh, नो you know, कौन से डेजर्ट से टॉपिक ऑफ केपरिकॉन पास करता है तो यू हैव द आंसर हेयर नामीब और कालाहारी से भी टच करता है थोड़ा है ना अटकामा से भी पास करता है तो इस टाइप से हैं। अब यहाँ पे हम डेज़र्ट देखते हैं पहले कौन कौन से हैं ठीक है तो हमने हमारे सेंट्रल अमेरिका में भी है मोजावे डेजर्ट ठीक है यहाँ पे मोजावे डेजर्ट है फिर हम लोग अमेरिका साउथ अमेरिका में अगर हम आएंगे तो वहाँ पे अटाकामा है और पेंटिगोनिया है ठीक है पेंटेगोनिया साउथ एकदम साउथ में है अमेरिका के साउथ अमेरिका में और अटाकामा आपके ये एंडीज़ में है है ना फिर अब हम अफ्रीका हमने देख ही लिया कि सहारा है कालाहारी है नामीब डेजर्ट है ठीक है फिर अरेबिया में आएंगे तो अरेबियन डेजर्ट है फिर हमको इंडिया एशिया में अगर देखेंगे तो या जो पाकिस्तान में भी और इंडिया में दोनों तरफ है वो है थार डेज़र्ट राइट फिर एक तुर्क मैनस्तान डेजर्ट है फिर चाइना में अपना गोभी डेजर्ट है दिस इज़ अ कोल्ड डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान भी कोल्ड डेजर्ट है ठीक है फिर यहाँ पे हम आएंगे तो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ठीक है अभी हम ये आगे पढ़ेंगे जब हम ओशन करेंट्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये क्यों बनते हैं डेजर्ट यहाँ पर क्यों बनते हैं अच्छा इस इन सब यू you नो know, अगर आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो तो आपको पता चलेगा कि ये जितने भी डेजर्ट हैं ना वो सारे कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट साइड में मिल रहे हैं आपको जैसे मोजावे देखो यहाँ पर है वेस्ट साइड में अटागामा है वेस्ट साइड में पेंटेगोनिया भी वेस्ट साइड में ही है ठीक है सहारा भी इधर बन रहा है वेस्ट साइड में और तो ये पूरा है बट यू नो स्टार्ट इधर से हुआ है फिर नामीब कल्हार ये भी वेस्ट साइड में है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ये भी वेस्ट साइड में है ऑस्ट्रेलिया के तो ये वेस्ट इतना प्यार क्यों है वेस्ट साइड को ये हम बाद में देखेंगे जब हम ओशन करेंट्स पढ़ेंगे ठीक है अभी लैंडफाम्स डिस्कस कर रहे हैं तो लैंडफाम्स ही करते हैं ना तो क्या बोल रहा है कि टू डेजर्ट्स क्या होते हैं जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है एब्सोल्युटली बैरन ठीक है कहीं मतलब कुछ भी ग्रो नहीं कर रहा है कोई वेजिटेशन नहीं ना क्या टाइप ही नहीं मिलेगा आपको वो होते हैं एप्सल्यूटली बैरन वे नथिंग ग्रोज एट ऑल ठीक है अब हम ये हमें देख लिया कि जो यू you नो know, डेजर्ट्स हैं या आप अगर लैटीट्यूड देखोगे तो फिफ्टीन डिग्री से थर्टी डिग्री के बीच में मोस्टली सारे यू you नो know, डेजर्ट्स हैं गोभी तुर्की को छोड़ दो तो मोस्टली यू नो सारे दे आर बिटवीन फिफ्टीन एंड थर्टी डिग्री ठीक है अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कुछ कुछ टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स होते हैं तो बेसिक से स्टार्ट करें तो एकदम ही बेसिक से करते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं कौन कौन से डेजर्ट्स के टाइप्स होते हैं अब मैंने अगर डेजर्ट जब बोला होगा तो आपके मन में वो राजस्थान का डेजर्ट आया होगा जहाँ पे सैंड्यून्स होते हैं बट सिर्फ वो डेजर्ट नहीं होता है, है ना डेजर्ट बहुत टाइप के हो सॉरी बहुत टाइप के होते हैं तो देख लेते हैं पहला है हमार्डा और रॉकी डेजर्ट तो हमारा हमार्डा और रॉकी डेजर्ट क्या होते हैं जो रॉकी जैसे नेम सजेस्ट कर रहे हैं रॉक से बना होगा ठीक है बेयर रॉक्स होंगे लार्ज ट्रेंचेज ऑफ रॉक्स होंगे जैसे सहारा डेजर्ट जो है अभी जो सहारा डेजर्ट है ना इसमें आपको बहुत ही रॉकी रॉक्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा रॉक्स जैसे ये देखो ये वाला इमेज है मेजर। ये रॉक्स है यहाँ सैंड नहीं है ठीक है सैंड इज़ दिस रॉक इज दिस बेयर रॉक्स मिलेंगे आपको तो वो हम उसको हम बोलते हैं यू नो रॉकी डेजर्ट अब ये जो रॉक्स होते हैं ना ये जब भी विंड ब्लो करती है इसको एरोड करती हुई चलती रहती है ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंट यू नो साइज़ ऑफ रॉक्स मिलेंगे आपको यहाँ पे ठीक है दूसरा आएगा रेग और स्टोनी डेजर्ट स्टोनी मतलब जहाँ पे स्टोन्स मिलेंगे पत्थर पत्थर वाला डेजर्ट पत्थर है यहाँ पे पूरा ये देखो ये पूरी लैंड में पत्थर है कोई वेजिटेशन दिख रहा है नहीं दिख रहा है पूरा पत्थर है तो ये जैसे आपका ये, क्या बोलते हैं ग्रेवल्स पत्थर ये सब मिलेंगे अब जब विंड ब्लो करती है यहाँ से ठीक है तो ये पत्थर को फेंकती रहती है इधर उधर उधर यू नो डेवलप करती रहती है मतलब दिखाती रहती है तो ये डेजर्ट आप देखोगे तो हमेशा बड़े हो रहे हैं बेसिकली आजकल आप देखोगे पिछले कुछ टाइम से डेजर्ट द एरिया अंडर डेजर्ट इज़ इंक्रीजिंग क्योंकि एरिड विंड्स बहुत ज़्यादा ब्लो कर रही हैं तो ये इन यू नो स्टोन्स को ट्रांसपोर्ट करती रहती हैं दूर दूर तक ठीक है फिर एक आता है अर्क और सैंडी डेजर्ट्स सैंडी डेजर्ट वही है जैसे जो हमको पता है वाले डेजर्ट्स होते हैं जैसे राजस्थान में थार डेजर्ट में आपको देखेगा तो इस टाइप का सैंड ड्यून रहता है है ना हीप ऑफ सैंड रहते हैं बेसिकली तो वो इस टाइप के मतलब फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड नहीं होते फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड वैसा रहता है तो उसको हम बोल देते हैं सैंडी डेजर्ट रॉक्स नहीं दिखेंगे रॉक्स दिखेंगे ओबियसली बट यहाँ पर सैंड बहुत ज़्यादा रहती है ठीक है फिर एक आता है बैड लैंडस बैड लैंडस क्या होते हैं गंदी लैंड है ना गंदी लैंड में कोई रहना नहीं चाहता है तो उसको हम बोलते हैं बैड लैंडस अब ये बैड लैंडस क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे कभी कभार क्या होता है कि बहुत ही गंदे स्टॉम्स आते हैं Uh, मतलब इन द सेंस कि वहाँ पे हैबिटेशन नहीं हो पाता है पॉसिबल इतना ज़्यादा यू नो बेकार स्टॉम्स आते हैं तो ये पूरे लैंड्स को ख़राब कर देते हैं मतलब जब पानी आता है और बहुत ही यू you नो know, स्टॉमी सा वेदर रहता है तो जो जब रेनफॉल होती है तो ये बहुत ही यू नो बैड तरीके से इसको यहाँ के जो रॉक्स होते हैं जो हिल्स होते हैं जो माउंटेंस होते, होते हैं उनको बहुत ही गंदे तरीके से रोड कर देती है है ना उसको हम बोल देते हैं बैड लैंडस ठीक है तो ये क्या है Uh, badly eroded by occasional लैंडफॉर्म्स एंड हेंस abandoned by inhabitants example painted पेंटेड डेजर्ट ऑफ अरेजोना तो जो अरेजोना का डेजर्ट है इतना ज़्यादा इंपॉटेंट नहीं है बट बस जैसे क्लासिफिकेशन याद होगी बैड लैंड भी एक टाइप ऑफ डेजर्ट होता है ठीक है फिर एक आता है माउंटेन डेजर्ट्स तो कुछ कुछ डेजर्ट बहुत हाई लैंडस पर मिलते हैं है ना जैसे तुर्कमेनिस्तान वाला जो है ये बहुत ही टेम्परेट लेटीट्यूड में है हाई लैंडस में है तो उसको हम बोलेंगे माउंटेन डेजर्ट्स ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो इरोजन है ये होता कैसे है हाउ डज इरोजन हैपन्स तो ऐसा करते हैं इस स्लाइड के बाद ना एक वीडियो है पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं कि इरोजन एक्चुअली में होता कैसे है हाउ डज़ इरोजन हैपन्स तो तो क्या होता है कि यू you नो know, ये इस टाइप से ये ब्लो कर रही होती है लैंड ये विंड uh, और ये जब भी सैंड को लेके जब मूव कर रही होती है ना तो ये इसको इरोड करती रहती है बेस से ये देखो कितना ज़्यादा ये इरोड हो चुका है ये सैंड मूव कर रही है और बहुत ही हाई स्पीड से मूव करती है तो बेस पे इसको ऐसे इरोड कर देती है ठीक है <coughs> तो इस वजह से इस टाइप का इरोजन होता है बेसिकली क्यों होता है क्योंकि विंड अपने साथ सैंड को फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड को लेके चल रही होती है ठीक है उससे क्या होता है जो बेस होता है वो उसका इरोड होने लगता है इस टाइप के देखो तो स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं कितना बड़ा ये रॉक होगा इस टाइप से ऐसा रॉक होगा और इसको इतना एरोड कर दिया है बेस पे कि ये बस यू you नो know, टिप पे खड़ा हुआ है कब अब फिर जब बहुत ज़्यादा इसका इरोजन हो जाता है ना तो क्या होता है कि ये पूरा टूट जाता है और फिर ये नीचे गिर जाता है ठीक है इसमें और एक चीज़ दिखाई दे रही होगी आपको ये देखो ये पीछे वाली ठीक है तो अभी आगे पढ़ेंगे क्या बोलते हैं इन सबको बस अभी याद रखो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं ठीक है तो देखो अभी इस टाइप हमने देखा है कि इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है ये अब रीजन से बनता है क्योंकि जो जो विंड है वो अपने साथ सैंड को लेके चलती है और बेस पे रोड करती है बेस पे क्यों नहीं ही रोड करती है क्योंकि भाई सैंड के पार्टिकल जो हैं वो भारी होते हैं वो ऊपर तक नहीं जा सकते है ना तो मोस्टली क्या होता है सैंड बेस नीचे ही रहती है तो विंड के साथ इसको इरोड करती चली जाती है तभी आप देखोगे कि जो भी यू you नो know, जब भी डेजर्ट्स में या ऐसे जगह पे ये टावर टी ये टेलीफोन पोल्स लगाने होते हैं ना तो उसको जो नीचे से है नीचे से उसको कोई स्टील की प्लेट से या फिर यू नो बहुत ही हैवी मेटल से उसको नीचे कवर करते हैं ताकि ये इरोड ना हो बहुत ज़्यादा ठीक है वो इसलिए करते हैं ताकि इसका अब्रेजन ना हो ठीक है तो अब देखते हैं कॉजेज ऑफ एरिडिटी सूखा क्यों पड़ता है क्योंकि भाई रेनफॉल नहीं होती है टेम्परेचर बहुत हाई होता है है ना यही तो यही रीजनस हो सकते हैं और इवेपोरेशन बहुत तेज होता है तो मेन रीज़न यही है कि इवेपोरेशन मतलब पानी नहीं पानी की कमी होना तो पानी की कमी कैसे हो सकती है कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा रेनफॉल बहुत कम हो सॉरी रेनफॉल बहुत कम हो तो पानी बहुत कम आ जाएगा इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो तो जितना पानी आएगा उतना बहुत जल्दी इवेपोरेट भी हो जाएगा और इवेपोरेट होने के लिए आपको चाहिए हाई टेम्परेचर तो हाई टेम्परेचर हो ठीक है यही रीजन्स हैं एरिडिटी के दूसरा है एरिड रीजन्स में वेदरिंग बहुत ज़्यादा होती है हमने देखा था ना कि वेदरिंग में क्या होता है डेजर्ट्स की वेदरिंग में कैसे होता है कि दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है है ना तो आउटर लेयर स्वेल हो जा रहा था और फिर रात में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो फिर बहुत जल्द बहुत जल्दी कूल भी हो जा रहा था कूल होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे थे और स्ट्रेसेस डेवलप होने की वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था रॉक तो वो वेदरिंग हो रहा था उसका ठीक है ये तो हो गया टेम्परेचर चेंज की वजह से अभी विंड भी कर रहा है साथ में इसको विंड भी तो तोड़ रहा है इस रॉक को ही देख रहे हैं ना विंड भी तोड़ रहा है इसको और वाटर भी जब कभी कभार प्रेसिपिटेशन होता है तो वाटर भी कर देता है वो काम ठीक है तो ये सब एजेंट्स हैं कि डेजर्ट में इरोजन होता कैसे है ठीक है तो आई हमने पढ़ा था कि रिड्यूस रॉक्स टू सैंड ये रॉक को सैंड में कन्वर्ट कर देता है तो ये जब भी सैंड ब्लो हो रहा होता है विंड के साथ तो ये इन पूरे रॉक को पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता हुआ लेता चला जाता है ठीक है इस टाइप का ये जो इतना ज़्यादा सैंड है ये कहाँ से आया है ये इतना ज़्यादा सैंड यहीं से आया है कि वो पहले बड़े बड़े रॉक्स थे उसको विंड ने इरोड किया विंड ने इरोड करके उसको फाइन फाइन पार्टिकल्स जो छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया और उसको डिपॉजिट करती चली गई कहीं और ठीक है तो ऐसे ही बने ये ध्यान रखना सैंड कहीं पैदा नहीं हुआ है सैंड बना कहाँ से है ये जो सैंडी डेजर्ट होता है ये बना कहाँ से है वो यहीं से बना है कि जो रॉक्स हैं उसको वो पूरा इोड करता हुआ चला गया था ठीक है यहाँ से बना है अभी एक्शन ऑफ फिर हम पढ़ते हैं कि एक्शन ऑफ विंड्स क्या हो कैसे करता है ठीक है तो उसमें पहला कंसेप्ट आता है डिफ्लेशन हॉल का तो डिफ्लेशन हॉल उस क्या होता है सी देखो अभी क्या होता है कि मान लो ये सैंडी डेजर्ट है ठीक है अभी पूरा सैंडी डेजर्ट है तो विंड जब यहाँ से ब्लो कर रही होती है ना ऐसे विंड ऐसे ब्लो करती है ठीक है तो ये क्या होती है यहाँ से जब भी विंड ब्लो कर रही होती है तो ये जो यहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स हैं ना इसको लेती चली जाती है ऊपर अब जैसे ही लेती चली जाती है ना तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट होने लगता है धीरे धीरे तो विंड और ज़्यादा विंड आती है इधर और ज़्यादा विंड आके और ज़्यादा ऊपर उसको फंका देती है तो क्या होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक होल टाइप का बन जाता है ऐसे क्योंकि यहीं से ही सारा जो सैंड है वो बाहर फेंक रहा होता है इसको समझ में आ रहा है मान लो विंड आई धीरे धीरे पहले सरफ पहले यहाँ से इसने धीरे धीरे अपना सैंड को बाहर फेंका धीरे धीरे इसने सैंड को यहाँ से बाहर फेंकना चालू किया तो यहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेशन बन गया थोड़ा सा डिप्रेशन बनने की वजह से फिर और ज़्यादा विंड आई ठीक है फिर और ज़्यादा फिकाया फिर और ज़्यादा विंड आई फिर और ज़्यादा फिकाया तो ये जो होल है ना ये बड़ा होता चला गया इसी को हम बोल देते हैं डिफ्लेशन हॉल ये देखो इस टाइप का होल दिख रहा है ये इसी को हम बोलेंगे क्या डिफ्लेशन हॉलोज दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन हॉलोज ठीक है तो लिफ्टिंग एंड ब्लोइंग अवे ऑफ लूज मटेरियल्स फ्रॉम ग्राउंड इट लीड्स टू लोअरिंग ऑफ लैंड सरफेस टू फॉर्म लार्ज डिप्रेशन कॉल्ड डिफ्लेशन हॉलोस जैसे कतर का डिप्रेशन है कतर का डिप्रेशन ऐसे ही बना है ठीक है तो वो क्या करती है कि ये जो विंड क्या होती है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को उठाती है और बाहर फेंक देती है ठीक है तो जैसे कि गड्ढा खोदते हैं ना जैसे कब्र खोदते हैं किसी की तो हम क्या करते हैं पहले वो शॉवल से हम आ, आ, मिट्टी को खोदते हैं और फिर बाहर फेंकते हैं सेम मैकेनिज्म होता है विंड करती है बस थोड़ा सा जेंटल करती है तो वो क्या होता है कि इट लीड्स टू लोअरिंग ऑफ लैंड सरफेस तो लैंड सरफेस लोअर हो जाता है और लार्ज डिप्रेशन बन जाते हैं ठीक है जिसको हम बोल देते हैं डिफ्लेशन हॉलोस ठीक है ये हो गया डिफ्लेशन दूसरा क्या था अब्रेजन अब्रेजन हमने देख ही लिया कैसे होता है कि भाई विंड सैंड जो सैंड के पार्टिकल्स को ब्लो करती हुई चलती है और रॉक्स को इरोड करती है सैंड ब्लास्टिंग ऑफ रॉक सरफेस बाय विंड्स ठीक है दैट इज़ वाई टेलीग्राफ पोल्स इन द डेजर्ट्स आर प्रोटेक्टेड बाई कवरिंग ऑफ मेटल फॉर अ फोट ऑफ टू अबब द ग्राउंड ये मैंने बताया है कि भाई ये लोअर एरोजन को बचाने के लिए यहाँ जो टेलीग्राफ पोल्स होते हैं जो बड़े बड़े पोल्स होते हैं उनको यहाँ से कवर कर देते हैं ताकि विंड एरोड न कर पाए इसको ठीक है तीसरा क्या है एट्रीशन एट्रीशन हमने ग्लेशियर्स में पड़ा था क्या होता है कि जब दो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और टूट जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं एट्रीशन तो सेम चीज़ विंड भी करती है विंड भी यू you नो know, सैंड के पार्टिकल्स जो बड़े रॉक के पार्टिकल्स होते हैं उसको थोड़ा उठा के आपस में टकराती है विंड की वजह से ये लोग टकराते हैं और ये और छोटे में बन जाते हैं है ना तो वो यही बोल रहा है फेन विन विंड पार्टिकल्स रोल अगेंस्ट वन अदर इन कोलिजन दे वीअर रीच अवे सो दैट देयर साइज आर जेंटली रिड्यूस बस दोनों आपस में टूट के जेंटली रिड्यूस हो जाते हैं तो इस टाइप से बनता है ठीक है अब ये देखो इस टाइप के स्ट्रक्चर भी आपको मिलेंगे ये टीथ टूथ टाइप स्ट्रक्चर ये यह यहाँ पे बेस पे रोड हो गया यहाँ पे बेस पे रोड हो गया यहाँ पे बेस पे रोड हो गया बचा क्या बस ऊपर वाला तो इस टाइप से इरोजन होता है इसका ठीक है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों को रिकमेंड करें अपनी क्वेरीज़ आप हमको क्वैरीज एट द रेट एन वे डॉट कॉम पर भेज सकते हैं जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे और पढ़ते रहिए हार्डवर्क करते रहिए है ना अगले लेक्चर में मिलते हैं थैंक यू बाय बाय टेक केयर